Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Rezan Bhatt and I'm teaching at Boys High Secondary School Harold. This for class 11th subject chemistry and my today's topic is energy level diagram of hydrogen atom. तो आज हम देखेंगे जो energy level diagram hydrogen atom की वो क्या है, ठीक है ना? तो जो ये energy level diagram है, it is based upon the principal quantum number. So it is based upon the प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. तो जो ये डायग्राम है एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम, इट्स बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. तो ऑर्बिटल्स, वो ऑर्बिटल्स हैविंग सेम वैल्यू ऑफ एन, और ऑर्बिटल्स हैविंग सेम वैल्यू ऑफ एन, जो भी ऑर्बिटल्स जिनका एन वैल्यू सेम होगा, हैविंग सेम वैल्यू ऑफ एन, दे हैव सेम एनर्जी. They have same energy. So according to this energy level diagram, जो ये energy level diagram है, इसमें जो orbitals है जिनका n value same होगा, उनकी energy same है. So it's based upon the principal quantum number. तो यहाँ से हम लेंगे energy. तो यहाँ से देखेंगे, अगर ये है 1s orbital, ठीक है ना? तो फिर है यहाँ पे 2s orbital. 2s के लिए 2p भी होता है. ये 2px, 2py, 2pz, तो ये है 2s, ये है 2p orbital. ऐसे हमारे पास है 3s orbital, 3p, इनके लिए भी ऐसे ही है. फिर यहाँ पे 3d, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना? तो ये 3s, ये है 3p, ये 3p, यहाँ पे है ये 3d. ऐसे यहाँ पे 4s, फिर है ये 4p, फिर है ये 4d, 1, 2, 3, 4, 5, फिर है 4f, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये है 4s, 4p, 4d, 4f. तो ये क्या है? ये है एनर्जी लेवल डायग्राम किसकी? हाइड्रोजन एटम की, ठीक है ना? तो ये जो एनर्जी लेवल डायग्राम है, इट डिपेंड्स अपॉन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, इट डिपेंड्स अपॉन दिस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है ये डायग्राम, दैट इज n. तो इस डायग्राम के एतबार से जो भी ऑर्बिटल्स जिनका एन वैल्यू सेम होगा, यहाँ पे 2s और 2p का एन वैल्यू सेम है, तो इनकी एनर्जी सेम है, ठीक है ना? तो ये था, ये है एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना? तो अब हम देखेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स. जो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स है, एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स जिनमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, उनकी एनर्जी लेवल डायग्राम क्या है, ठीक है ना? सो एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स. तो वो वाले एटम्स जिनमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगी, उनकी एनर्जी लेवल डायग्राम क्या है? दैट इज बेस्ड अपॉन the value of L, azimuthal quantum number. तो ये diagram जो है, ये depend करती है azimuthal quantum number पे, L पे. तो इस diagram के एतबार से orbitals having same value of L, वो orbitals जिनका L value same होगा, they have same energy. वो ऑर्बिटल्स जिनका एल वैल्यू सेम होगा, उनकी एनर्जी सेम है, ठीक है ना? तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे, देखेंगे ये एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स, तो हम कुछ इस तरह से बनाएंगे इसको. ये है 1s, ठीक है ना? फिर है यहाँ पे 2s, ठीक है ना? फिर है यहाँ पे 2p, 1, 2, 3, 2p. ऐसे यहाँ पे 3s, फिर है यहाँ पे 3p, ठीक है ना? फिर है यहाँ पे 4s, फिर है यहाँ पे 3d, 1, 2, 3, 4, 5, 3d. कुछ इस तरह से ये डायग्राम बनेगी, ठीक है ना? तो 1s, अगर हम बात करेंगे 2p में तीन ऑर्बिटल्स है, 2px है, 2py है, 2pz है, तो यहाँ पे इनकी एनर्जी एक ही है, ठीक है ना? डिजेनरेट ऑर्बिटल्स जिनको हमने पहले ही बताया है, तो यहाँ पे इनकी एनर्जी एक है, क्योंकि एल वैल्यू जो है इनका वो सेम है, ठीक है ना? तो अगर हम देखेंगे
यहाँ पे अब ये जो एनर्जी लेवल डायग्राम मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स की है, इट्स बेस्ड अपॉन वैल्यू ऑफ एल। तो हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि एक ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है, उसके लिए हमारे पास दो रूल्स है जिनको हम बोलते हैं बोहर बरीज रूल, जिनको हम बोलते हैं बोहर बरीज रूल। सो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स इज प्रिडिक्टेड बाय रूल दैट्स कॉल्ड बोहर बरीज रूल। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इज प्रिडिक्टेड बाय रूल। सो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल कैन बी, इट कैन बी प्रिडिक्टेड बाय रूल, बाय रूल उसको हम नाम देते हैं नोन एज, उसको हम नाम देते हैं बोहर बरीज रूल। तो इसका जो पहला पार्ट है रूल का वो है एन प्लस एल, दी ऑर्बिटल्स, दी ऑर्बिटल हैविंग लोअर एन प्लस एल वैल्यू, एन प्लस एल वैल्यू जिसका कम होगा हैज लोअर एनर्जी। सो दी ऑर्बिटल हैविंग लोअर वैल्यू ऑफ एन प्लस एल हैव लोअर एनर्जी। सो इट हैज, सॉरी, सो दी ऑर्बिटल हैविंग लोअर एन प्लस एल वैल्यू हैज लोअर एनर्जी, ठीक है ना। जो ऑर्बिटल जिसका एन प्लस एल वैल्यू कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास दो ऑर्बिटल है, 4s है, 3d है, तो 4s के लिए जो n प्लस l वैल्यू होगा, n प्लस l वैल्यू वो होगा, n यहाँ पे 4 है, l वैल्यू जो है s के लिए l वैल्यू होता है 0, तो ये बन गया 4। 3d अगर हम बात करेंगे 3d की, तो n प्लस l वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे, 3 है यहाँ पे n, तो l वैल्यू है यहाँ पे ये 2 है, 3 + 2 हो गई 5। इसका मतलब है 4s की एनर्जी कम है एज कम्पेयर टू 3d, ठीक है ना। और एक रूल है, अगर n प्लस l वैल्यू सेम होगा, इफ n प्लस l वैल्यू इज सेम, इफ n प्लस l वैल्यू इज सेम, अगर n प्लस l वैल्यू क्या होगा, अगर n प्लस l वैल्यू सेम होगा, देन द ऑर्बिटल हैविंग लोअर वैल्यू ऑफ, दी ऑर्बिटल हैविंग हैविंग अगर एन प्लस एल वैल्यू सेम होगा, तो वो ऑर्बिटल जिसका हैविंग लोअर वैल्यू ऑफ एन, हैविंग लोअर वैल्यू ऑफ एल वैल्यू ऑफ, सॉरी, एन हैज लोअर एनर्जी, हैज लोअर एनर्जी, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर हमारे पास है 4f और है 5d। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे एन प्लस एल वैल्यू, एन प्लस एल वैल्यू यहाँ पे, एन प्लस एल वैल्यू क्या है यहाँ पे, एन है 4 प्लस एल वैल्यू है यहाँ पे 3 हो गई 7, यहाँ पे एन वैल्यू है 5, एल वैल्यू है यहाँ पे 2 हो गई 7। तो इसका मतलब है 4f और 5d की एनर्जी, एन प्लस एल वैल्यू इनका बराबर है। अगर ये बराबर है तो रूल नंबर 2 क्या है, तो जिसका एन वैल्यू कम होगा, जिसका एन वैल्यू कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी। तो यहाँ पे 4f का n वैल्यू कम है, इट मीन्स 4f हैज लेस एनर्जी देन 5d, 4f की एनर्जी कम है एज कम्पेयर टू 5d। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, थैंक्स फॉर वाचिंग।